प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को लेकर उद्बोधन दिया। भोपाल के प्रदेश भाजपा कार्यालय में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और अनेक कार्यकर्ताओं ने उनका उद्बोधन सुना। उद्बोधन के बाद चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि सौभाग्य का विषय है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने हर स्तर पर सरकार की हर योजना को बनाते हुए, उसको इम्प्लीमेंट करते हुए बजट बनाने के समय और के बाद भी हर समय एक संवाद का नया प्लेटफॉर्म स्थापित किया है। मन की बात के माध्यम से तो वह प्रदेश और देश के नागरिकों से हर महीने संवाद करते ही हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं समर्थकों को उन्होंने जो कल केंद्र सरकार का बजट आया है उसके विषय में संपूर्ण सरकार की क्या प्लानिंग है इस बारे में अवगत करवाया है। एक सर्वांगीण विकास करने वालों को प्रमुखता के साथ आधार स्तंभ बनाने के लिए प्रस्तुत किया हुआ बजट है, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने उसकी मंशा को हम सबको बताया। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि नरेंद्र मोदी देश के पीएम के अलावा देश के पालक भी हैं। विंध्य किरण के लिए डेस्क की रिपोर्ट। देखिए, ये हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हर स्तर पर सरकार की हर योजना को बनाते हुए, उसको इम्प्लीमेंट करते हुए बजट बनाने के समय और उसके बाद भी हर समय एक संवाद का नया प्लेटफॉर्म स्थापित किया है। मन की बात के माध्यम से तो वो प्रदेश और देश के नागरिकों को हर महीने संवाद करते ही है, पर आज भारतीय जनता पार्टी के हजारों हजारों कार्यकर्ताओं समर्थकों को उन्होंने जो कल केंद्र सरकार का बजट आया है उसके विषय में संपूर्ण सरकार की क्या प्लानिंग है इसके बारे में अवगत कराया। एक समेकित, एक सर्वांगीण विकास, एक कल्याण को प्रमुखता के साथ आधार स्तंभ बनाने के लिए प्रस्तुत किया हुआ बजट आज प्रधानमंत्री जी ने उसके विषय में सरकार की सभी मंशाओं को हम सबको बताया है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी केवल इस देश के प्रधानमंत्री नहीं है बल्कि देश की जनता के हर परिवार के पालक हैं, ये उन्होंने स्थापित किया है। कृषि से लेकर रोजगार, रोजगार से लेकर आर्थिक अनुशासन, आर्थिक अनुशासन से लेकर रक्षा, रक्षा से लेकर हमारी सेनाओं के मनोबल बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन, नई तकनीक के माध्यम से युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया के हर प्रगतिशील पथ पर अग्रसर बनाने का संकल्प इस बजट में हमें देखने को मिलता है। निश्चित रूप से इस बजट के माध्यम से ये देश एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा और प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान के साथ जो आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिलाया है कि इस बजट में जो केंद्र सरकार की मंशा है उस मंशा के अनुरूप देश के विकास, देश की एकता, अखंडता और जनता के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कटिबद्ध रहेगा।